बताता हूँ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर्स के अंदर, ये मिरर्स के अंदर एक ही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे मिरर्स की, अभी हमने मिरर्स किया नहीं वैसे। और क्या प्रॉपर्टी है मिरर की, प्लेन मिरर की एक ही प्रॉपर्टी है कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर इसकी इमेज भी बनती है। बस क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? बस हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आज हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर्स का पहला क्वेश्चन ये करते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ना प्लीज। वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड, कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ प्लेन मिरर। एक कन्वेक्स लेंस है उसको एक प्लेन मिरर के साथ कॉन्टैक्ट में हमने लगा दिया, ठीक है। एन एक्सियल पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स कॉम्बिनेशन हैज इट्स इमेज कोइंसाइडिंग विद इटसेल्फ। तो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को लिया, रेज गई लेंस में से पास हुई, मिरर में गई, मिरर से टकराई, लेंस में से वापस आई और इमेज वहीं बन गई जहां पर उसका ऑब्जेक्ट था, रीट्रेस कर गई पाथ। और ऑब्जेक्ट की दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है लेंस से, तो बोलो उसकी फोकल लेंथ क्या है इस पूरे अरेंजमेंट को देखते हुए, समझाओ। इस टाइप की प्रॉब्लम को समझने के लिए इसको थोड़ा सा और माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो इसमें थोड़ी स्पेस बनाते हैं, थोड़ा और स्पेस करके देखते हैं कि हुआ क्या। मिरर रिट्रेस कब करता है रेज को? जब रेज 90 डिग्री पे हिट करती है उसे। अगर 90 पे नहीं करेंगी तो टेढ़ी करेंगी तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कहीं और कर देंगी। और अगर 90 पे हिट करेगी रे तो 90 से वापस आ जाएगी, वैसी वापस आएगी, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो तो रिफ्लेक्शन भी जीरो। क्लियर है? तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि रिट्रेस तो करवानी है, रिट्रेस करवाने का मतलब 90 डिग्री पे हिट हुई है और 90 का मतलब है स्ट्रेट आई होंगी लेंस से, और लेंस से स्ट्रेट तब आई होंगी जब ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा होगा, लेंस की फोकल लेंथ पे। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पे रखते हो तो रेज यहां पर स्ट्रेट हो जाती हैं। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि रेज स्ट्रेट हो गई तभी तो रिट्रेस हो गई। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये 90 डिग्री पे हिट हुई होंगी तभी पाथ रिट्रेस हुआ है। 90 डिग्री पे होने का मतलब है कि रेस सीधी गई है इसके बाद। तो लेंस की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास एक लेंस है और आप ऑब्जेक्ट को इसके फोकल लेंथ पे रखते हो तो रेस बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे पड़ा हुआ है। तो अगर आपको ये दूरी ऑलरेडी कितने सेंटीमीटर गिवन है, 20, तो इसकी फोकल लेंथ भी कितनी है, 20 ही है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में जब एक लेंस के साथ एक प्लेन मिरर कॉम्बिनेशन में आता है, इस टाइप की प्रॉब्लम में जहां पर ऑब्जेक्ट है वही उसकी क्या बन जाती है, फोकल लेंथ भी बन जाती है। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, क्योंकि रेस सीधी हो गई ना इस वजह से, और सीधी का मतलब 90 डिग्री पे हिट कर रही है मिरर को, इससे पता लग रहा है। तो स्ट्रेट हुई तभी जब वो फोकल लेंथ पे पड़ी हुई थी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? अच्छा, फिर देखो इसी का मॉडिफाइड वर्जन है, ये देखो अगला क्वेश्चन।
देखो कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड ओवर अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर के ऊपर कन्वेक्स लेंस, देखने में कैसा कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेन और कन्वेक्स, प्लेनो है तो कन्वेक्स ना, करेगा तो कन्वर्जिंग ही ना। आगे अब वो कह रहा है कि ऐसी पोजीशन पे रखा सो देयर इज नो पैरेलेक्स बिटवीन पिन एंड इमेज, पैरेलेक्स का मतलब होता है कि डिफरेंस नजर आना दो पॉइंट्स के बीच में, तो इफ नो पैरेलेक्स बिटवीन पिन एंड इस इमेज, मतलब कोई डिस्टेंस नहीं है, जहां पर ऑब्जेक्ट है पिन है वहीं उसकी क्या बनी, इमेज बनी, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं उसकी इमेज बनी, अगर पैरेलेक्स होता तो ऊपर नीचे बन जाती, तो इसका मतलब वो हिंट दे रहा है जहां ऑब्जेक्ट है वहीं उसकी इमेज बन गई। आगे अब वो कह रहे हैं हाउ कैन दिस ऑब्जर्वेशन बी यूज टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, कह रहे हैं कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, अब रूल वही है, नीचे क्या पड़ा हुआ है मिरर प्लेन, अब रेज जाएंगी कन्वेक्स लेंस इसे क्या करेगा सीधा 90 डिग्री पे हिट करेगा, अगर 90 पे करेगा तभी तो रिट्रेस होंगी, 90 पे नहीं करेगा तो इधर उधर चली जाएंगी, 90 पे करेगा तभी रिट्रेस होके वही इमेज बनेगी, और अगर 90 पे करेगा इसका मतलब लेंस से बाहर निकलती रे सीधी हो गई, और सीधी तब होती है जब कहां पर पड़ी होती है इसकी फोकल लेंथ पे, तो ओपी ही क्या है इसकी फोकल लेंथ है, तो मतलब ना इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता, बस इसकी शक्ल याद करनी होती है कि ऐसे प्रॉब्लम में ओपी ही यू ही फोकल लेंथ होता है, जिसमें रिट्रेस हो जाए एक प्लेन मिरर है लेंस है और रिट्रेस हो गए वही ऑब्जेक्ट है वही इमेज है तो वही इसकी फोकल लेंथ भी है, पॉइंट समझ में आ रहा है इन टाइप के एक्सपेरिमेंट्स में क्या करना होता है। अब जैसे ये हर बार ऐसा नहीं आता, ऐसा भी आ जाता है, देखना जरा देखो डिस्टेंस बिटवीन कन्वेक्स लेंस एंड अ प्लेन मिरर इज 15 सेंटीमीटर, तो ये रहा कन्वेक्स लेंस ये रहा मिरर इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक। आगे पैरेलल रे इंसिडेंट ऑन कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर फॉर्म्स एन इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, कह रहे रेज आती है पैरेलल लेंस इसको कन्वर्ज करता है मिरर टकरा के वापस भेजता है और फाइनल इमेज कहां बनती है ओ पे बन जाती है, ठीक है यहां पर ऑप्टिकल सेंटर पे फाइनल इमेज बनती है, कह रहे ड्रॉ द रे डायग्राम, अरे इसका मतलब तो सॉल्यूशन है तो आपको ये खुद बनाना पड़ेगा, ये तो ऐसे ही आप देख देख के समझ रहे हो, समझ में आ गया, क्योंकि आपको जब रे दिखेंगी नहीं आपको खुद ड्रॉ करना है कि कैसे बनेगा रे डायग्राम एंड फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो पहली बात आप इसको देखते हुए कैसे समझो आपको आपको गिवन क्या होगा, आपको सिर्फ एक लेंस गिवन होगा और आपको एक प्लेन मिरर गिवन होगा, बस ऐसे आपको यह पता होगा कि रेज कैसी आएंगी पैरेलल आएंगी और आपको यह भी गिवन है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 15, बस क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो आपको इसको ऐसे समझना है, सबसे पहले आप मिरर को छोड़ दो, मिरर की बात ही ना करो, सिर्फ लेंस की बात करते हैं, जब रे डायग्राम बनाने होते हैं तो पहले रे डायग्राम कभी नहीं बनते, पहले न्यूमेरिकल सॉल्व होता है उसको देखते हुए रे डायग्राम बनता है, तो न्यूमेरिकल क्या कहता है कि पहले एक लेंस लो, लेंस के लिए यू क्या है इंफिनिटी, ये रेस को कहां मिलाएगा ये अपनी फोकल लेंथ में मिलाएगा, समझ में आ रहा है फोकल लेंथ मिलाएगा, तो अब इस केस में अगर ये फोकल लेंथ में मिलाएगा पर बीच में आपने क्या रख दिया एक मिरर, तो अब फोकल लेंथ पर मिल नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं रेस कहां पर यहां पर आके मिलेंगी इसके ऑप्टिकल सेंटर पे, क्योंकि आपको बता रहा है कि फाइनल इमेज F पे नहीं बन रही, फाइनल इमेज कहां पर बन रही है O पे बन रही है, तो ये तो डायग्राम समझ में आ रहा है डायग्राम कैसे बनेगा, क्या है पॉइंट क्लियर है, तो इतनी सी इंफॉर्मेशन से आप डायग्राम का अंदाजा तो लगा सकते हो, क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट ये समझो कि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इस लेंस के लिए इमेज कहां पर है फोकस पे है, इंपॉर्टेंट है लेंस के लिए इमेज कहां पर है फोकस पे है, पर बीच में क्या आ गया प्लेन मिरर, प्लेन मिरर ने इमेज को यहां नहीं बनाया, इमेज को कहां बनाया ओ पे बनाया, अब प्लेन मिरर की क्या, प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है एफ और इमेज कौन है ओ, प्लेन मिरर तो भाई एफ को ओ पे शिफ्ट कर गया, और प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी है जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज है, तो क्योंकि ये इमेज 15 सेंटीमीटर पे है तो ऑब्जेक्ट भी कितने सेंटीमीटर पे है
15 भाई प्लेन मिरर के लिए ओ ऑब्जेक्ट है, ओ इसकी इमेज है सॉरी, और एफ ऑब्जेक्ट है, लेंस के लिए एफ इमेज है, मिरर के लिए एफ ऑब्जेक्ट है, और इसने इमेज कहां बनाया, ओ पे, क्वेश्चन में गिवन है फाइनल इमेज ओ पे बन रही है, तो मिरर ने यहां नहीं बननी थी ना, तो इसका मतलब इसने ऑब्जेक्ट माना और ये इमेज बना दी। ठीक है, तो प्लेन मिरर के लिए जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज है, तो प्लेन मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही 15 है, तो ये भी 15 है, साफ पता लग रहा है फोकल लेंथ कितनी है, 15 और 15 30, आंसर 30 इज द फोकल लेंथ, डन आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे डायग्राम से समझ लिया फोकल लेंथ की वैल्यू कैसे निकलेगी इसमें। ठीक है आता सर, बोलो सर, ये 15-15 सेंटीमीटर नहीं समझा है कि ये इक्वल क्यों होंगे, फिर देखो अनइक्वल भी तो फिर देखो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पे इमेज होगी, क्लियर है यहां तक? तो आप बस मुझे ये बताओ, लेंस ये चाहता था कि इमेज एफ पे मिले, पर प्लेन मिरर बीच में आ गया, प्लेन मिरर ने इन रेज को, आती हुई रेज को यहां मिला दिया, तो प्लेन मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है, यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? प्लेन मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन जिसने पूछा समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो प्लेन मिरर के लिए अगर ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये डिस्टेंस 15 है, तो प्लेन मिरर की यही तो प्रॉपर्टी है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे उसकी इमेज है, तो अगर ये 15 है तो ये भी तो 15 ही होगा, 15-15 बराबर, तो इसका मतलब ये भी 15 है, तो लेंस से फोकल लेंथ कितना हुआ, 15 और 15 30। अब समझ में आया यहां तक? यस सर। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20, चलो गिवन है 20, हैज पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40, ऑब्जेक्ट ये रहा 40 पे, अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स लेंस, बिहाइंड ये रहा, बिहाइंड का मतलब आगे, मिरर रख दिया कितने सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे, लोकेट द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन, तो आपको ना रे डायग्राम से फाइनल इमेज बतानी है कहां बनेगी, आपको रे डायग्राम नहीं गिवन, तो आप प्लीज सबसे पहले ना इस ऐसे बना ही नहीं सकते, आप न्यूमेरिकल साथ साथ सॉल्व करेंगे, कैसे? पहले आप लेंगे सिर्फ लेंस, लेंस के लिए, लेंस के लिए ये आपका ऑब्जेक्ट है कितना, 40, यू 40 -40, फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 20, यू -40, फोकल लेंथ 20, तो इमेज का डिस्टेंस अगर निकालना है तो 1/v - 1/u - 1/f में आप f की जगह वैल्यू पुट करें, u की जगह -40, तो v आएगा +40, यानी कि लेंस ये चाहता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे लें तो इमेज भी कहां पर बने, 40 पे बने, तो चलो अगर मिरर छोड़ दें तो ये रेज आएंगी और सीधा 40 पे हिट करेंगी, राइट, तो ये दूरी कितनी है, 40, तो लेंस तो 40 सेंटीमीटर में इमेज बना रहा था, पर क्वेश्चन में ये गिवन है, बीच में क्या रख दिया, मिरर, और मिरर की दूरी कितनी गिवन है, 30, तो यानी कि मिरर 40 पे इमेज को बनने नहीं देगा, 30 सेंटीमीटर बीच में मिरर रख दिया, तो मिरर क्या करेगा, आती हुई रेज को रिफ्लेक्ट करके यहां कहीं बनाएगा, तो फाइनल इमेज यहां नहीं बनेगी, यहां बनेगी, क्लियर है? और रूल वही है, प्लेन मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है और प्लेन मिरर के लिए ये इसकी इमेज है, लेंस के लिए ये इमेज है पर मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है, क्लियर है यहां तक? क्योंकि मिरर ने यहां इमेज बनने नहीं दी, यहां शिफ्ट कर दी, और अब रूल क्या है कि अगर ये 40 है और ये 30 है तो ये कितना है, 10 है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, तो फाइनल इमेज कहां पर बनेगी, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये डायमेंशन हम कैसे लिख रहे हैं,
ठीक है यहां तक आंसर बोलो। है जरूरी, अगर आप V40 निकालते हो तभी आप कैलकुलेट कर पाते हो। टू आर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो मिरर में लगता है, लेंस में नहीं लगता। ठीक है, ओके, ये नहीं हो पाएगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर है।